हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल. स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट मराठी. आज अपन शिकणार आहोत कविता क्रमांक 15, नदीचे गाने. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 15, नदीचे गाने. सबसे पहले तो हम लोग इस पोयम को रीड करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है. दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते, मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते. वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटूनी जाते पुढती. लता वृक्ष किती काठावरती, भूमी तुनी जे मला भेटती. फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती. कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती. पाणी पिऊनी पक्षी जाती, घट भरूनी कोणी जल नेती. गुरे वासरे जवळी येती, मुले खेळती लाटांवरती. मी कोणाची मी सर्वांची, बांधूनीही मज नेण्याची. जेथे जाईन तेथे फुलवीन बाग मनोहर आनंदाची. कवी कोण आहेत? वि म कुलकर्णी. दरी दरीतून वनावनातून झुळझुळ मी वाहत येते. दरी, अभी दरी किसे कहते हैं? जो एक छोट जैसे कि हम लोग जंगल्स वगैरह में देखते हैं बड़ी बड़ी नदियाँ वगैरह बहती रहती है, तो जो बड़ी बड़ी जो मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी जमा होता है उसको नदी कहते हैं. और दरी किसे कहते हैं? जो छोटी सी एक नदी के जैसी बहती है, उसको जो जंगल के बीचों बीच होती है या पहाड़ों के बीच में से बहती है, उसे क्या कहा जाता है? दरी दरी. वना वनातून झुळझुळ मी वाहती है. वन किसे कहा जाता है? अभी जैसे कि आप सबको पता है जंगल को ही जो हम लोग वन वगैरह कहते हैं, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. जो वन होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं या फिर हर चीज़ की मतलब जो पेड़ पौधों की जो संख्या होती है ज़्यादा घना नहीं होता है, छोटा सा होता है, उसे कहते हैं वन. झुळझुळ मी वाहत येते. नदी क्या कहती है? मैं दरी दरीतून वना वनातून मैं झुळझुळ. झुळझुळ क्या होता है? जो बहता हुआ पानी होता है, उस पानी की जो मतलब जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को यहाँ पर झुळझुळ कहा गया है. झुळझुळ मी वाहत येते. नदी दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ वाहत येते. मी मंजूळ गाणे गाते. नदी क्या कहती है? मी मंजूळ गाणे गाते, यानी जो नदी जो बहती है उसकी जो झुळझुळ जो आवाज़ होती है, जो पानी की जो आवाज़ होती है, नदी ने क्या कहा है कि वो आवाज़ नहीं है, वो गाना है जो मैं मंजूळ गाना गा रही हूँ. मी पुढ़ेच धावत जाते. नदी क्या कहती है? कि मैं हमेशा आगे भागती रहती हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं चलती. आपने हमेशा देखा होगा कि नदी आगे आगे बढ़ती है, कभी भी पीछे नहीं आती. तो नदी इसीलिए क्या कह रही है? मी पुढ़ेच धावत जाते. दरी दरीतून वना वनातून झुळझुळ मी वाहत येते. मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते. नदी क्या कहती है? मैं दरी दरी से वना वनातून मैं झुळझुळ करते हुए बहती हूँ, मैं मंजूळ गाने गाती हूँ और मैं हमेशा ही आगे बढ़ती रहती हूँ. वसली गावे तीरावर्ती, यानी अभी जहाँ पर नदी बहती है, देखो नदी बहती है तो उसके दो किनारे होते हैं हमेशा, तो नदी के किनारों के ऊपर क्या है? गांव बसे हुए रहते हैं. तो नदी वही कह रही है कि वसली गावे तीरावर्ती. नदी का जो किनारा है, जो तीर है, उसके ऊपर क्या है? गांव बसे हुए हैं. त्यांना भेटूनी जाते पुढती. नदी क्या कहती है? मेरे किनारे के ऊपर जो मेरे तीर के ऊपर जो गांव जो बसे हुए गांव है उनको मैं मिलते मिलते भेटूनी, यानी उनको मिलते मिलते मैं आगे जाती हूँ. लता वृक्ष किती काठांवरती, भूमि तुनिजे मला भेटती. लता वृक्ष यानी लता वृक्ष किसे कहा गया है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लता वृक्ष कहा गया है. लता वृक्ष किती काठांवरती, नदी का जो किनारा होता है, जो काठ होता है, देखो किनारों के ऊपर तो दोनों साइड पे पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, तो उन्हीं को लता वृक्ष कहा गया है. अभी जितना पेड़ ज़मीन के ऊपर होता है उतना ही मजबूत पेड़ ज़मीन के नीचे होता है, उसके रूट्स वगैरह ज़मीन के नीचे होती है. तो भूमि तुनिजे मला भेटती. नदी क्या कहती है? कि जो लता वृक्ष जो पेड़ जो नदी के किनारों के ऊपर है वो ज़मीन के अंदर से मुझे मिलते हैं. वसली गावे तीरावर्ती, त्यांना भेटूनी जाते पुढती. लता वृक्ष किती काठांवरती, भूमि तुनिजे मला भेटती. नदी क्या कहती है? जो मेरे किनारे के ऊपर मेरे तीर के ऊपर जो गांव बसे हैं मैं उनको मिलते मिलते आगे बढ़ती हूँ, और जो मेरे किनारों के ऊपर जो लता वृक्ष है जो पेड़ पौधे है मैं उनको ज़मीन के अंदर से मिलती हूँ. फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती. कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती. फुलवेली मज सुमने देती,
नदी क्या कहती है, जो फुलवेली है यानी जो नदी के किनारों के ऊपर जो पेड़ होते हैं, जो फ्लावर्स के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो उनको क्या देते हैं, फूल देते हैं। अभी जैसे कोई पेड़ है उसके वो एक मतलब फल का पेड़ है, अगर समझो मैंगो का पेड़ है तो वो हमें मैंगो का फ्रूट देगा, अगर एप्पल का पेड़ है तो वो हमें एप्पल का फ्रूट देगा, वैसे ही अगर कोई फूल का पेड़ रहेगा तो वो हमें क्या देगा, फूल देगा। तो फुलवेली मतलब सुमने देती, सुमन किसे कहा गया, फूल को कहा गया। कुठे लवाड़ी खेड़त बस्ती, कुठे लवाड़ी खेड़त बस्ती यानी जो हवा एक जो आती है जो उस पेड़ के साथ में फूलों के साथ में खेलती है, उसको क्या कहा गया, लवाड़ी का कहा गया है। वो क्या हवा क्या करती है, उन पेड़ों के साथ में उन फूलों के साथ में खेलती है। कुठे आम्रतरु माझावर्ती, कुठे आम्रतरु, आम्रतरु किसे कहा गया है, जो आम का जो पेड़ होता है उसको क्या कहा गया है, आम्रतरु कहा गया है। यानी नदी कहती है कि मेरे ऊपर एक आम्रतरु भी है, मेरे ऊपर एक जो आम का पेड़ भी है। शीतल अपुली छाया धरती, अभी आम का पेड़ इतना बड़ा होता है तो उसकी जो जो छाया रहेगी, उसका जो शेडो रहेगा वो उतना बड़ा ही रहेगा, और नदी किनारे हवा वगैरह चलती है तो वहाँ का जो वातावरण होता है यानी जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा शीतल होता है, ठंडा होता है। तो शीतल छाया धरती के ऊपर यानी जो शीतल जो शेडो होती है वो धरती के ऊपर गिरती है। फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाड़ी खेड़त बसती, कुठे आम्रतरु माझावर्ती, शीतल अपली छाया धरती। नदी क्या कहती है, जो फुलवेली है वो मुझे सुमन देती है यानी फूल देती है, उसके साथ में हवा खेलती है, और जो आम्रतरु है मेरे ऊपर जो एक आम का जो पेड़ है वो मुझे क्या देता है, शीतल छाया देता है। पानी पीउनी पक्षी जाती, घट भरूनी कोनी जल नेती, गुरे वासरे जवड़ी येती, मुले खेलती लाटानवरती। पानी पीउनी पक्षी जाती, अभी जो नदी का जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती कि कोई बोल सकता है कि ये मेरा पानी है, इसको तुम हाथ मत लगाओ, तुम इसको यूज़ मत करो। नदी का जो पानी होता है वो नेचुरल पानी होता है तो उसको सब यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही जो पक्षी होते यानी जो पक्षी होते वो नदी पर आकर अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। जो लेडीज़ वगैरह होती है गांव की, काम करने के लिए जो मटका होता है उनका घट यानी मटका, वो भर के अपना नदी का पानी लेकर जाते हैं। गुरे वासरे जवड़ी होती, गुरे वासरे यानी जो गाय बैल होते वो नदी के पानी में जाकर नहाते हैं, खेलते हैं। मुले खेलती लाटानवरती, और गांव के जो बच्चे रहते हैं वो नहाने के लिए नदी के अंदर जाते हैं। तो इसी तरीके से नदी का जो पानी होता है वो इंसान हो, जानवर हो, या पक्षी हो, या पंछी हो, सभी के काम में यूज़ आता है। मी कोनाची मी सर्वांची, बांधुनी ही मजने न्याची। नदी क्या कहती है कि मी कोनाची, नदी क्या कहती है, मैं किसकी हूँ, मैं सबकी हूँ, कोई मुझे बांधकर घर नहीं ले जा सकता। जेते जाइन तेथे फुलविन, बाग मनोहर आनंदाची। नदी क्या कहती है, मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर मैं आनंद की बाग यानी जहाँ पर मैं जाऊँगी वहाँ पर मैं हरियाली लेकर जाऊँगी और सभी को खुशियाँ बांटूंगी। इसी तरीके से हमारा जो ये जो कविता का जो एक्सप्लेनेशन है मी नदी बोलते, यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।